चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 है 3.2 का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ए इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्रूफ करने के लिए बोला, ठीक है। तो चलो सबसे पहले LHS ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन LHS। तो LHS क्या है मेरा, आई प्लस ए। अच्छा एक बात बताओ, आई आई क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है ना, बताओ सोनू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का क्या होता है, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है आई इक्वल टू 1001 है ना, ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर ये 3 का बोला होता तो क्या होता, 1000001। तो यहां पर आइडेंटिटी, यहां पर आई का मीनिंग क्या है तुम्हारा, 1001 और प्लस ए क्या है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 ऐसा हो गया, आ रहा समझ में। अच्छा अब देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 0 कितना आ गया 1, 0 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 0 कितना आया 1, तो LHS हमारा आ गया इतना, समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग कहां जाते हैं, RHS पर, हम लोग कहां जाते हैं RHS पर। तो चलो देखो LHS इतना आ गया, इसको निश्चिंत रख लेते हैं, RHS अब हम लोग उठा के चलते हैं और RHS को अगर हम लोग इतना दिखा दें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखो अब RHS लेते हैं, RHS, RHS क्या है तुम्हारा, I माइनस ए और क्या है तुम्हारा यहां पर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, I क्या है तुम्हारा 1001 और माइनस ए कितना है तुम्हारा, ए देखो तो कितना है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 ऐसा आ गया है ना। अच्छा एक बात देखो, समझो बात कि RHS में क्या आ गया तुम्हारा, 10 अल्फा बाय 2 का यूज हो गया है कि नहीं, और ये वाला चीज क्या है, कॉस अल्फा है, क्या कॉस अल्फा को हम 10 में लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, हम लोग पढ़े थे 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े थे क्या भाई, कि कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 10 के फॉर्म में, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। और साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 ऐसा होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां कॉस अल्फा है उसके जगह हम लोग ये लगा देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब माइनस साइन अल्फा के जगह क्या लगाएंगे, 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, नीचे साइन तो फिर से क्या आ जाएगा 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, समझ में आया बात क्या। तो हम लोगों ने कॉस साइन को फॉर्मूला के हिसाब से 10 अल्फा बाय 2 में चेंज कर लिए सारे को, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत बड़ा इक्वेशन बन रहा है, हम थोड़ा देर के लिए ना 10 अल्फा बाय 2 को x मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, पुट 10 अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या हो रहा है x, क्यों माने ऐसा जी, कि जल्दी से आसान हो जाए तुमको हमको बनाने में थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 माइनस 0 कितना आ रहा है 1, 0 माइनस माइनस प्लस, इसको तो x माने थे तो 0 प्लस x तो कितना आ गया x, 1 माइनस x तो माइनस x और 1 माइनस 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 0 तो 1 ही आ गया, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो सबके अगर नीचे से कॉमन निकाल लें
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सबके नीचे है, बाहर कॉमन आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे बाहर निकाल लो, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे क्या किए बाहर निकाल लिया। तो देखो अब अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहां क्या बचा 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया है ना। अच्छा ये तो क्या है तुम्हारा बाहर है, मल्टीप्लाई पे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है बात, 1 माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर x से करेंगे तो क्या हो गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ गया, समझ में आ रहा है। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 2x तो माइनस 2x, प्लस x से करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, अब प्लस 1 इंटू 2x कितना आ रहा है 2x। फिर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया यहां पे, इतना आ गया समझ में, इतना नोट करो ठीक है। तो अब हम ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब हमको ऊपर जाना है, ये तुम्हारा LHS फिक्स है ठीक है, LHS फिक्स है, LHS हमको इतना सा रखना है। तो चलो देखो ऊपर मिटा रहे हैं, क्वेश्चन वाला सेक्शन मिटा दे रहे हैं हम लोग यहां से, ये वाला LHS है हमारा ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहां से हम लोग उठ के यहां आ रहे हैं, देखो यहां पे तो अब क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखो माइनस 2 एक्स प्लस एक्स कितना आया माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहां देखो माइनस एक्स प्लस 2 एक्स एक्स, तो एक्स अब प्लस एक्स क्यूब ठीक है, और यहां देखो 1 अब 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है बस ठीक है। अच्छा इसी को ना ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, यहां से माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, और यहां x कॉमन निकाल लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ठीक है। अच्छा अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे ये मल्टीप्लाई होती है दोनों कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कट जाएगा क्या बचेगा माइनस एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये दोनों कट जाएगा क्या बचेगा एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा 1, और देखो तो ये क्या है 1 तो 1 है माइनस x क्या है मेरा x, देखो क्या है तुम्हारा tan अल्फा बाय, तो tan अल्फा बाय 2 ठीक है, और x क्या हो गया तुम्हारा tan अल्फा बाय 2 और क्या है 1। अब देखो तो दोनों को, ये तुम्हारा RHS है, RHS है ना, और ये क्या है तुम्हारा LHS है, तो दोनों बराबर आ गया LHS RHS ठीक है। तो अब हम नीचे इसको मिटा देते हैं ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे 10 LHS इक्वल्स टू RHS ठीक है, तो 10 LHS equals to RHS root, LHS और RHS दोनों बराबर है, समझ में आया, लिख लो।